हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो गया और सुबह इतना लेजी फील होता है ना, बिल्कुल ही मतलब बहुत ही ज़्यादा लेजी फील हो रहा है। नींद पूरी नहीं हो पाती है किसी भी टाइम, और हमारा बच्चा भी उठ चुका है और इधर टिया भी उठ चुकी है। टिया की क्या खा रहे हो आप बताओ, क्या मिट्टी के लड्डू खा रही हूँ। मिट्टी के लड्डू नहीं, मामी जी के लड्डू बनाए हैं ना, वो लड्डू हैं। तो ये मेरे लड्डू, आप क्यों खा रहे हो बेटा? टेस्टी लग रही है इसको। फिर बेशक लग रहे हैं, तो मेरे हैं, आपको नहीं खाने ये? तो मुझे खाने दो। क्यों, ये मेरे लड्डू हैं, आप क्यों खाओगे? अच्छा, तो सबको गुड मॉर्निंग बोलते। गुड मॉर्निंग। लड्डू खा रही हूँ मम्मी। दिखा दो गाइस, मैं लड्डू खा रही हूँ, आप भी खा लो। आप भी खा लो, आज मैं लड्डू खा रही हूँ। हाँ, गुड बॉय। और मम्मा सो रही है, मैं परेशान नहीं करूँगी। मैं सो रही हूँ और मैं परेशान नहीं करूँगी। गुड गर्ल। और सबसे पहले ना हमारा बेटा नहाता है और नहा के सो चुका है। मम्मी सबसे पहले इसको नहलाती है। अब इसका सोने का टाइम है, अब ये सोएगा आराम से। और मैं भी जा रही हूँ नहाने के लिए, मैंने अपना दूध वगैरह पी लिया है। ओह, दवाई रहेगी, दवाई भी ले लेती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। भाई नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ मैं, और इधर मम्मा भी रेडी हो चुकी हैं। मम्मा जी कैसे हो तुम? बहुत ठीक हूँ। और आप बीच बीच में बेबी का फेस दिखा रहे हो, तो सबके कमेंट ऐसे आ रहे थे कि अरे अच्छी बात है ना, मैं तुम्हारे लिए दिखाता हूँ, देखते रहा करो ना। कमेंट में क्यों बताते हो कि बेबी का फेस? हाँ। आप लोगों ने रिवील ही कर दिया। मैं आप लोगों के लिए दिखाता हूँ, आप देखते रहा करो, आप समझते नहीं हो बात को, बीच बीच में देखते रहा करो थोड़ा थोड़ा। तो गाइस, एक आध बार तो ना हमारी डॉक्टर अवेलेबल हो जाती है दिन के टाइम, एक आध बार नहीं होती है तो वेट करना पड़ता है। तो वो कह रही है थोड़ी देर तक टाइम अपडेट करेंगी। इधर बेबी सो रहा, और ये देखो, मतलब सिर्फ एक चीज़ में साझा नहीं कर रहे मेरे साथ, जो मुझे तोरी घिया की सब्जी मिलती है, बाकी आधा हलवा खाएंगे, पपीता खाएंगे, सारी चीज़ें मेरे साथ खाते हैं। मैं कहती हूँ मेरी सब्जी में भी साझा कर लिया करो, ठीक है? और ये उठने वाला है, कई देर से हाथ पैर मार रहा है ये। तो गाइस, मेरा खाना डल गया है, टमाटर प्याज की सब्जी, रोटी और दही। गाइस, ये चल रहा है हमारा फैमिली टाइम, ये देखो। ओले ले 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 ले। ये उठ गया है, अब इसको फीड कराना है, पर उससे थोड़ी देर पहले ये खेलेगा, स्माइल कर रहा है। शाम हो गई और मैं तो सो गई थी 2-2.5 घंटे के लिए। अब आई हूँ बाहर, क्योंकि अभी रूम में डेली मित्तू बोलते हैं स्प्रे मारा को भी डेंगू फैल रहा है, तो डेली वही कर ही रहे हैं हम लोग, स्प्रे मारते रहे। अरे यहाँ का माहौल देखो, ऐसा सा कुछ है। ये भी उठ गया है, दादी के पास है अपने, अम्मी बेटा, अब इसको दूध चाहिए। अम्मी बेटा, अम्मी बेटा, अम्मी बेटा। गाइस, मैं तो पहली बार गुड़गांव में ऐसा कुछ वो देख रहा हूँ, मतलब कि ऐसी जगह भी बनी हुई क्या? ये ताऊ देवीलाल स्टेडियम, और इतने सारे एथलीट लगे हुए हैं यहाँ पे करने के लिए, ऐसे घूमने के लिए आ गए बस। तो भाई घर पे आ गया था मैं पार्क पूर्क में घूमने के बाद में, आपने देखा होगा। हाँ जी, आप क्या कर रहे हो आज पूरे दिन से गायब हो आज आप, मैंने सुना है। मैं सो गई थी शाम को 2-2.5 घंटे। अच्छा, रूम में वो स्प्रे लगवाया, बाहर गई, अच्छा, एमी खेलने लग गया, एमी की बात करवाई, दादा तो बात कर ली, नाना नानी तो बात कर ली, सब तो बात। अच्छा, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हो रहा है मतलब आजकल है। हाँ। कई जगह तो कॉल चल रही इसकी, एक बार तो बात करवाई दिया करो। अलग अलग जगह तो कॉल चल रही इसकी है। हाँ। विदेश तक इसकी पहुंच हो रखी है, सीधी आ जा करता। हेलो, बताइए। ऐसे करके तो सोता है ये, क्यों सा रखा है? वो तो मैं उठा लूंगा, बड़ा है वो। और वो पीछे से क्या किया फिर आपने? मैं तो पार्क में घूम के आया आज, मैंने इसमें क्लिप भी ऐड करी है। पहली बार गया मैं ताऊ देवीलाल स्टेडियम में जो है।
राजी चौक पे हूँ मैं तो, पहले अंदर ही पहली बार घुसा हूँ। बाहर से तो ये समझ लो कि 10 साल से घूम रहा हूँ उसके, बार बार आज गया पहली बार। इतने इतने एथलीट अंदर वर्कआउट करते रहते हैं, कोई रनिंग, कोई फुटबॉल, कोई कुछ, कोई कुछ, मतलब देख के ना ऐसा लगता है बस उनके पीछे पीछे दौड़ जाओ। मतलब इतना सुकून सा मिलता है, पूरा हरा हरा एकदम हरियाली हरियाली पूरा बैठने का, सब अपनी अपनी जिंदगी में मस्त है, कानों में हेडफोन लगा के अपनी वॉक कर रहे हैं, कोई बच्चों को करवा रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे टी आगे मानेट गए, एक बंदा आ रखा, दो एक गुड़िया एक लड़का था, दोनों को ऐसे पुशअप करवा रहा है, लेटा के वो करवा रहा है, सारी चीजें वो करवा रहा है। और टिया हमारी वो लेके आ रही है कुछ बेबी के लिए, लेके आओ इधर, लेके आओ बेटा, देखो कितना काम करती है टिया, बताओ। ओहो तो अपने अपने साइज के बराबर काम करती है डब्बे का ये, है ना? बहुत पावरफुल है। अच्छा तो ये पावरफुल भी, ओहो बॉडी भी बनी हुई है। अच्छा जी इसका 16 तो ये गाइस बेबी का मैंने वो मंगवाया है, क्या मंगवाया है, गिफ्ट मंगवाया है बेबी का, मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है टिया, क्या करना है व्लॉग को? इसे फाड़ के थूकना। अरे व्लॉग को क्या करना है वो बताओ पहले। ठीक है, अभी बाय बाय नहीं, अभी तो बहुत कुछ है, अभी खाना को ना खाएंगे भाई, सारी चीजें करेंगे। मित्तू सबके कमेंट आ रहे थे कि क्या बोलते भिल्ली कब आएगी, भिल्ली कब आएगी, भिल्ली भी होती है ना जैसे, भिल्ली देख के आऊंगा ना तो ये जाऊंगा। हाँ, रक्षाबंधन का त्योहार दिवस है दादी ने। हाँ तो ये फिर ऐसा तो नहीं होता ना कहीं की भिल्ली देने के बाद भाई 15 दिन में 20 दिन में फिर ना ना तो कभी फिर बाद में आप पीलिया को कभी भी कर लो चाहिए, क्योंकि जब तक अभी 2 से 3 महीने कम से कम लगेंगे ठीक होने में, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, कदे भी कर लो चाहिए, अपने खुद की मर्जी हो। तो भाई पापा ताऊ बात करेंगे कल, कब आ सकते हैं, कौन सी डेट को आएंगे और कब, मतलब कब आएंगे, क्योंकि सब पूछ रहे ना ज्यादा दिन हो गए। एक तो बेबी का फेस, हाई फेस, हाई फेस, हमने यार देखो ऐसा है, वैसे तो देखो छुपाने वाली देखो कोई चीज है नहीं यार, आप लोग ऐसे मत सोचो, हवन वगैरह नहीं करवाए ना। हाँ। तो तब तक वो चीज थोड़ी सी, थोड़े बड़े बूढ़े कहते हैं, ये कहते हैं हवन जब तक नहीं हो जाता ना तब तक थोड़ी चीज छुपी रहे तो ही ज्यादा ठीक है। वैसे तो देखो आप सब लोगों देख ही रखा है, इतना कोई वो है नहीं, किसी ना किसी की व्लॉग में तो आपने देख ही रखा है, और हमारे में भी कहीं ना कहीं आ जाता है, हो ही जाता है, बट ये कहते हैं कि जब तक हवन ना हो जाता, जिस दिन हवन करवा लेंगे ना उसी दिन आपको दिखा देंगे, हवन और नामांकन वगैरह जो भी होता है वो करवा देंगे तब दिखा देंगे। रही भिल्ली की बात तो कल पापा से और ताऊ से बात कर लेंगे, तो उस हिसाब से मम्मी अपने में क्या होया करे भिल्ली में, जिस तरह हमने मतलब क्या होता है लड़के वाले लेके जाते हैं ना, मतलब कि भिल्ली में होता है 15-20 ये होते हैं ढोल वाले आगे आगे चलते हैं ये, ठीक है। अरे आप साहब तो बकवास कर रहे हैं, सही बताऊंगा मैं, सुन तो लो एक बार, पंद्रह बीस ऐसे 10 इधर होते हैं 10 इधर होते हैं और एक बीच में चलता है वो डायरेक्शन देता है ऐसे टनन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 
फिर जैसे निकलते हैं वहां से तो पहले तो उस गांव में बसता है, फिर वहां से गाड़ियों में बैठ के फिर आगे जो गांव की सीम होती है, मतलब जिस गांव में जाना होता है मेली देने, उस सीम से फिर ऐसे फिर दोबारा से सच बोल रहे हैं, ऐसे देते हैं? नहीं ऐसे नहीं देते, बकवास कर रहे हो। हमने नहीं देखी, नहीं देर कर लेके गए थे। अलग बात, वैसे कोई खुशी हुआ तो जैसे डीजे वगैरह कई जगह बजा ली से, जैसे पापा और बेली लेके जा तो सोनू और डीजे बजा लिया आ गया। अच्छा वो बजाए, वो अलग होती है खुशी की बात, अलग होती है। ठीक है तो इसके तो ठीक है, इसके मामा मैं कहूंगी भाई डीजे बजाइयो है बाकी। तो और फिर भाई ये होता है जैसे वो चले गए फिर बेली, बेली जो भी होती है बेली में गुड़ होता है, गुड़ होता है, वाइट कपड़ा होता है, वाइट कपड़े में बांधते हैं और फ्रूट वगैरह लेके जाते हैं, मिठाई दे लेके जाते हैं क्योंकि मैंने देखा था। और सवा कल वाले व्लॉग में ना भाई आपको डेट कंफर्म कर देंगे हम, मतलब बात करके, क्योंकि हम तो क्या ही बताएं भाई इस बारे में, पापा से पूछेंगे। मेन तो रक्षाबंधन का वेट कर रहे थे क्योंकि दादी को ये त्योहार देना था, कि एक त्योहार तो दिन वगैरह तो सारे कंप्लीट हो गए हैं, मतलब जो भी कपड़े वगैरह बदलवाते हैं बुआ जेर के वो सब हो गए हैं, खाली बस ये था कि एक ये त्योहार और निमट जाए तो ये था, फिर और कोई दिक्कत नहीं रहेगी, फिर हम अच्छे से सारी चीजें सेलिब्रेट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि
क्या दिक्कत हुई थी मम्मी मित्तू की शादी में भी और अब इसमें भी है। मम्मी के दादी के चाव और इसके पापा के चाव ना, मतलब ये लगा लो इनके सपने सपने ही रह गए। ऐसा कुछ हुआ ऐसी ना ना मम्मी, क्या हुआ था शादी में? तो पड़ोसी की डेथ हो गई थी और ये दादी का ज्यादा खुशी होगी। दादी दिन भर मिठाई दी खिलाती रही पड़ोसी रही, उठ बैठ का जो भी आया और ये गाँव जो हम से दूब दिखाने असले भाई तेरे सुबेदार नी पड़ोतो हो पड़ोतो हो दादी पड़ोतो बोल रहे उड़े। हाँ पड़ोता होगा तेरा पोता तो ये होगा, ये पड़पोता होगा। अच्छा अच्छा हाँ ठीक ठीक पड़ोतो। खुशी में दादी सारा दिन खुश रही, रात नहीं दादी की फिर हार्ट को दर्द आ गया। तो ऐसा हुआ गाइस हमारे साथ कि मित्तू की शादी का कोई सेलिब्रेशन नहीं हो पाया। करा इन्होंने बट वो मतलब वो नहीं था, खुशी नहीं थी, बस वो वैसे ही था कि ठीक है भाई हो गई चीजें। और सेम ऐसे ही ये हुआ, जब सोचा था कुछ अच्छा करेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। दादी बोल रही थी बच्चे ठीक करोगे पूरा गांव। दादी ने खुद ने ये बोला था कि मैं वो करूँ, ये अपना फेस खुद ही रिवील करेगा। देखो इसको कैमरा खुल दे ना, ऐसा एक्साइटमेंट हो जाती है, ऐसे करता है, किधर से निकल रहा है गांव मेरा, वो किधर है किधर है। ये व्लॉगर बनेगा बड़ा हो गया बड़ा। दादू जाता बोल के गया था ना 20 दिन में 15 दिन में स्वाति ठीक हो जा, जब अपना लेके आ जियो छठी गाँव में मनाऊंगा। रात में दादी अपना दादी जी चली गई, फिर मेरी कंडीशन ये नहीं पता थी कि ऐसी हो जाएगी। मतलब अभी तो भाई लगेगा टाइम ठीक होने में, 2-3 महीने पहले तक तो मतलब जब तक तो बिल्कुल वही है ना यार, जब तक पूरे खड़े ही ना हो जाए सब कुछ तो क्या करने का। अब सीढ़ियाँ भी चढ़ नहीं सकते, अब गाड़ी से उतरो चढ़ो ये करो वो करो सारी चीजें ना हैंडल करना बड़ा मतलब मुश्किल क्या है। और गाँव दोबारा अगर हो गए ना तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो बस बेली वाले में तो ये इनको तो उठना नहीं है बेली वाले में, तो बेली वाला तो हम कर सकते हैं, बात करेंगे फिर उस हिसाब से। आपको कल एक दो बहुत कमेंट आ रहे थे तो मेरे को लगा कि चलो आज इन सबको रिप्लाई कर देते हैं कि बेली वगैरह कब देंगे। तो बस यही है, कल बात करेंगे फिर आप लोगों को जरूर अपडेट देंगे। और बस आज के व्लॉग में यही था। पूनम मोटी आ गए हैं सोने, वो भी सोएंगे, वो तब तक शिफ्ट पूरी करेगी अपनी, तब तक मैं और मम्मी संभालेंगे, फिर वो जग जाएगी, मैं और वो कर लेंगे, फिर मम्मी को सुला देंगे। और आज मम्मी की तबीयत हो रही है डाउन, 2 दिन हो गए मम्मी को हो रहा पथरी का दर्द, और आज तो आराम है कल ज्यादा दिक्कत है ना मम्मी? आज 3 गोली खा ली। हाँ वो फेस से आपका फेस देख कर मेरा फेस देख कर पता चल जाए कि हाँ भाई आज इनका तकलीफ है। तो मम्मी व्लॉग का एंड करियो, पोता के साथ करो एंड, मेरा पोता कर दे बेटा कर दे, आप करो ना क्या बोलोगे कर दे बेटी, ताता बाय बाय कर दे। ये मेरे बेटे का हाथ है, ये ऐसे सबको बोल रहा है बाय बाय। तो व्लॉग का एंड करो, मैं तो मम्मी नहीं कर रही। तो गाइस बस इसी के साथ में आपको जल्दी खुशखबरी देंगे 1-2 दिन के अंदर ही, और सारी चीजें भाई बढ़िया तरीके से करेंगे, टेंशन ना लो आप बिल्कुल, बोझ बार एकदम ऐसे। तो जल्दी जल्दी बस सारी चीजें आप खुशखबरी देते रहेंगे धीरे 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 कर करके, ये वाली 1-2 दिन में दे देंगे। तो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।